याद रखो यहाँ घर है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ऐसा भी है क्या घर है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे देख रहे हो रूट में क्या है, ये एक्स है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो बटा में है, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ देख रहे हो कि ये एक्स का स्क्वायर है, लेकिन अब आगे इसको सॉल्व करने के बाद हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये डायरेक्टली तुम नहीं कह सकते हो कि सर ये हो ही सकता है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा डाउट है। लेकिन यहाँ पे तुमको सीधे सीधे लग रहा है कि ये बहुपद नहीं है, क्यों नहीं है कि थोड़ा सा सॉल्व करके देखो। ये वाला पॉइंट तो बहुपद दिख रहा है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, एक्स का पावर तो फोर हो जाएगा, एक्स का पावर फोर है नहीं कि कहीं कैंसिल आउट होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो लास्ट में ऑप्शन हमारा क्या बचेगा, सी बचेगा। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके पास ए नंबर में 3x प्लस 1 का पावर 2 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 4, ठीक है। बी नंबर में है क्या है, 4x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ठीक है। उसके बाद क्या है सी में देखिएगा, क्या रूट अंडर 3x प्लस रूट 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4। डी में 6x क्यूब बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर प्लस 7। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो कितना होगा, क्या होगा आंसर इसका, डी हो बी होगा, ठीक है। ये समीकरण नहीं है क्योंकि ये प्लस में है। लेकिन एक चीज तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे देखना क्या कर रहे हैं कि जैसे कि ये कह रहे हो कि नहीं है, हाँ है, कैसे है देखो, एक अगर ये भी प्लस में होता ये भी प्लस में होता तो कट जाता, तो कट जाता, लेकिन अगर ये माइनस में हो जाएगा जुट जाएगा ना, 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो अभी द्विघात समीकरण है, लेकिन कौन नहीं है, और यहाँ पे कहोगे कि सर ये नहीं है, हाँ हो सकता है क्योंकि x में यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे, x में तो क्या हो जाएगा 3x, और यहाँ पे 3x स्क्वायर तो हो जाएगा ना, नहीं समझे, तो ये भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे बात आती है इसका, तो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट वाले को करते हो रूट 3x का होल स्क्वायर, तो रूट से ये कट जाएगा, x पे तो रहेगा ना, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, तो ये भी 4x स्क्वायर है, तो ये भी तो है, यानी कि यहाँ पे ये भी हो जाएगा, था आंसर नहीं होगा ये। लेकिन लास्ट में देख रहे हो एक चीज है कि यहाँ पे क्यू है तो सबसे पहले नहीं है, और बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इसको तोड़ने पे हो जा, नहीं होगा क्योंकि x का पावर 2 और करेगा तो क्या हो जाएगा, x का पावर 2 हो जाएगा, x का पावर 4, तो यही हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके, ठीक। करना क्या देखो, कुछ क्वेश्चन का पहले मूल को समझ क्या करें, यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस px प्लस p बराबर 0 का मूल समान हो तो p का मान ज्ञात करना है। मूल समान हो का मतलब क्या होता है, हम आपको बताए थे कि बी स्क्वायर डी का वैल्यू है ना, डी का वैल्यू क्या होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये 0 के बराबर है तो हमारे जो भी मूल निकलेंगे क्या निकलेंगे, समान निकलेंगे, इतना तो क्लियर है, जो भी मूल निकलेंगे क्या निकलेंगे, समान निकलेंगे। तो यहाँ पे बी क्या यहाँ पे कितना लिखा है, देखिएगा माइनस का पी माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है देखिए, तो सी का वैल्यू कितना है, बराबर कितना है, तो पी का स्क्वायर करिएगा तो क्या निकलेगा आपका, पी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 × 8 और ये हो जाएगा आपका बराबर
जी कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक चीज समझ लो यहाँ पे, यहाँ देखोगे लेकिन यहाँ पे अब आपका आ गया पी स्क्वायर माइनस एट पी बराबर जीरो अगर आ रहा है तो यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे पी स्क्वायर है तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस में तो प्लस ना होगा। अब यहाँ पे देख रहे हो पी स्क्वायर जो है पी दो बार है कि नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पी मल्टीप्लाई पी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब ये पी से पी खत्म हो जाएगा तो पी बराबर क्या निकल गया, तो केवल आठ आंसर होगा कि आठ जीरो और आठ होगा, क्या समझ में। चलिए देख ये इतना लंबा बनाया है ताकि आपको समझ में आए, तो शॉर्ट में बन जाता है। शॉर्ट में देखिए कैसे बनेगा, देखिए शॉर्ट आउट में भी देख लीजिए, दोनों तरीका समझ लीजिए कैसे बनेगा। आपको फॉर्मूला पता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर क्या होगा, इतना तो आपको पता है। चलिए बी की जगह पे क्या है यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ए का वैल्यू कितनी है दो और सी का वैल्यू कितनी है पी बराबर जीरो, इतना ठीक है नहीं, तो ये हो जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस कितना होगा आठ पी बराबर जीरो। तो आपको ये पता है कि ये पी इधर जाएगा जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर इधर हो जाएगा तो ये प्लस का एट पी हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो ये पी से एक पी काट सकते हैं हम लोग, तो पी बराबर क्या बच जाएगा आठ ना बचेगा। तो और भी तरीका है अपनाने का इसको, हम तो इसे भी छोटा में बना लेते हैं, और भी छोटा बनाते हैं और छोटा बनाए, देखिए आप और छोटा समझ लीजिए क्या बनेगा। यहाँ पे बी स्क्वायर है माइनस फोर ए सी है बराबर क्या है जीरो, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा डायरेक्ट लिख दीजिए पी स्क्वायर, आपको तो पता है कि भाई माइनस में क्या प्लस प्लस ही आएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा यहाँ पे क्या हो गया चार, आई ए का वैल्यू कितना है दो, तो चार दो ना आठ, सी का वैल्यू कितना है पी, ये से ये कट गया क्या हो गया। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस फोर बराबर जीरो का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान होगा, वास्तविक नहीं हो का मतलब था देखिएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का वैल्यू क्या होना चाहिए जीरो से छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए बी से छोटा होना चाहिए। तो अब एक चीज समझिएगा ये जीरो से छोटा है तो बी का वैल्यू क्या है हम लोग का, ठीक है यानी कि ये जीरो से मतलब छोटा होगा तो बी का वैल्यू कितना देखिए तो माइनस के, तो डायरेक्ट लिख दिए के स्क्वायर, ठीक है माइनस क्या लिखेंगे फोर, ए का वैल्यू कुछ नहीं है, सी का वैल्यू कितनी है चार है, ये आप बराबर मान लीजिए पहले जीरो मान लीजिए आपने, ठीक है बराबर जीरो। तो ये आपको पता है कि के बराबर क्या निकल के आएगा चार, चार आएगा, लेकिन क्या होगा प्लस का चार के माइनस का चार, प्लस का चार नहीं, यही तो तुम लोग गलती कर रहे हो। यहां देखो क्या करना पड़ेगा, अब इसको थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म में समझ लो, ठीक है देखो यहाँ पे क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस चार चौका सोलह बराबर जीरो, इतना बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा ये स्क्वायर में इधर माइनस हो जाएगा क्या करेगा प्लस, तो के बराबर क्या होगा बोबा अंडर रूट, ठीक है तो के बराबर क्या निकलेगा प्लस माइनस चार, अगर प्लस लेते हो तो जीरो से तो बड़ा हो जाएगा ना, लेकिन लेना क्या है तुमको माइनस लेना है ताकि आपको बात समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है वास्तविक नहीं है, तो वास्तविक नहीं होने के लिए जीरो से छोटा लेना पड़ेगा, चार लेंगे तो जीरो से बड़ा हो जाएगा तो माइनस का चार हम लेंगे। तो अब यहां पे कहोगे सर क्या क्या लेंगे, ये देखिएगा अगर इसे घुमा रहे हो तो के का वैल्यू यहां पे रखोगे, देखो अगर के का वैल्यू यहां रख रहे हो तो के का वैल्यू क्या लोगे अगर माइनस का चार लेते हो, ठीक है और यहाँ पे के का वैल्यू यहाँ पे चार तो बड़ा कहाँ होगा बराबर हो गया, तो अगर यहां लेते हो के का वैल्यू माइनस का चार तो ये बड़ा कहाँ हुआ चार से नहीं हुआ ना, तो ये हमारा क्या हो रहा है देखो एक के का वैल्यू चार से बड़ा भी है और चार से छोटा भी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बात समझ में आएगा बहुत कुछ तो नहीं है बट देखिए क्या है। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस थ्री रूट थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व है बराबर जीरो के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस क्या होता है माइनस के, तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि यहाँ पे शॉर्टकट में बना लीजिएगा, देखिएगा ए का वैल्यू यहाँ पे है
और ये किसका वैल्यू है, बी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, सी का। इतना तो बात मालूम आपको, तो सी से आपको मतलब नहीं है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए और माइनस का रूट अंडर थ्री। इतना बात तो समझ में आ गया आपको। तो बी के जगह पे क्या है, माइनस का थ्री है। तो माइनस का पहले से तो बी है, यहाँ पे माइनस तो पहले से है, बी का वैल्यू भी माइनस में है रूट थ्री। और क्या है देखिएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री रूट थ्री माइनस माइनस रूट थ्री, रूट थ्री कितना हो जाएगा टू रूट थ्री। इसमें है क्या कहिए इसका, अच्छा एक चीज से क्या कह रहे हैं, हाँ माइनस का रूट थ्री। अब क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन में समझ लीजिए, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस रूट अंडर थ्री। इतना बात समझ में आ गया आपको। तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए माइनस रूट थ्री, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस का बी, तो माइनस का माइनस तो है, बी का वैल्यू भी क्या है माइनस का थ्री रूट थ्री है कि नहीं, वहां पे देख रहे हो, और यहाँ पे माइनस का रूट थ्री, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो थ्री रूट थ्री माइनस रूट थ्री, तो तीन को रूट थ्री में से एक को रूट थ्री घटेगा कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। अच्छा एक चीज यहाँ समझिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फिर से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है, यानी नहीं हुआ है क्या मतलब। यहाँ पे पहले हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले ट्रिक समझिएगा। पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि एस पावर है एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा ना, यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी ये भी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि डबल तो है नहीं कि कटेगा कहीं, चलिए तो ये भी स्क्वायर है, तो ये भी द्विघात समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा x मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में आया, यहाँ देखिएगा x मल्टीप्लाई एक्स का आया एक्स स्क्वायर है, तो अगर दोनों प्लस में आया तो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, तो उसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे पास। आप क्या दिया आपके पास क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको पहले लॉन्ग फॉर्म में समझ लीजिए इसको, हेलो पहले इसको लॉन्ग फॉर्म में समझ लीजिए, उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर क्या दिया है, दिया कि नहीं दिया है, आपको किसका वैल्यू निकालना है, एक्स प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। देखिएगा क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए होता है ना। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम इसको ए मान ले और इसको क्या मान ले, बी मान ले, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है वैल्यू, कहिएगा वन पे नहीं है, तो इसको ऐसे कर लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स का वैल्यू स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वन का स्क्वायर करिए कुछ भी कीजिए, चेंजिंग तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे ऐसे मान सकते हैं ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस का बी स्क्वायर बराबर क्या लिख रहे हैं, हम इतना का वैल्यू के बराबर लिख सकते हैं। अब देखिएगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू क्या है वन बाई एक्स है, बराबर क्या हो जाएगा चौदह। तो देखिएगा ये से ये खत्म हो जाएगा, बता x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर चौदह, प्लस में माइनस में क्या करेगा प्लस करेगा, एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर चौदह दो, तो एक्स प्लस क्या हो गया वन, सॉरी एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या आ गया चार प्लस माइनस चार, इसमें प्लस तो है बाई माइनस नहीं है, अब कैंसर कितना हो जाएगा चार। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, हो तो गया था लेकिन होने दीजिए कोई बात नहीं है, एक चीज आप चाहें तो इसको शॉर्टकट बनाया जा सकता है, कैसे बनाया जा सकता है देखिएगा, ठीक है सिंपल सी बात है, ठीक है आपको करना कुछ नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो करिएगा जी, एक्स प्लस ठीक है वन बाई एक्स जितना का वैल्यू पूछ रहा है उतना रहने दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे कीजिएगा बराबर अंडर रूट, ठीक जितना आपको दिया है ना बराबर में उसमें कितना जोड़ दीजिएगा दो जोड़ दीजिए, जितना बराबर में दिया है उतना में कितना जोड़ दीजिएगा दो जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा सोलह, सोलह के बदले क्या निकलेगा आंसर आपको पता चल जाएगा चार, हो जाएगा नहीं हो जाएगा,
लेकिन एक एक चीज और सवाल मेरा यहाँ पे ये सवाल खड़ा हो सकता है, आप कहिएगा इस और कौन सा सवाल हो सकता है, देखिए वो भी समझा दे रहे के बारे में। अगर आपका मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया इस तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर बराबर, अगर मान लीजिए दे दिया यहाँ पे 18 दे दिया, दे सकता है क्वेश्चन में, तो तब कैसे निकालिएगा तब आप देखिए काम करना है। पहले उसको भी पूरा प्रोसेस समझ लीजिए उसके बाद बताइएगा। यहाँ पे दिया है तो यहाँ पे देखिएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, ये प्लस नहीं रहेगा, ये प्लस में ही रहेगा। तो एक चीज हम और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखिएगा, तो अगर ये प्लस में है तो एक फॉर्मूला ये होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में क्या लिख सकते हैं 2ab, बताया था फॉर्मूला, आपको दोनों फॉर्मूला हो सकता है। तो आपसे पूछ यहाँ पे यही चीज पूछेगा, यहाँ पे क्या कर देगा माइनस कर देगा, माइनस कर देगा नहीं कर देगा, अब क्या कीजिएगा देखिए, तो एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू और वन वन कर मल्टीप्लाई कीजिए कट जाएगा नहीं कट जाएगा बराबर कितना है 18 मान लीजिए, मान के बना रहे हैं ठीक है। तो यहां देखिएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर 18 माइनस दो, तो एक्स वन माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा 16, तो रूट चढ़ा देंगे इधर तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई एक्स बराबर क्या निकल के गया 4। तो बात चलता तो वही आया लेकिन हम अपने हिसाब से माने हैं, लेकिन घटा यहाँ पर घटाना पड़ा है, याद रखिएगा अगर अगर यहाँ प्लस पूछेगा तो दो प्लस कर दीजिएगा, अगर माइनस पूछेगा तो दो माइनस कर दीजिएगा रूट में से, बस कुछ नहीं करना है, रूट में रखिएगा, लेकिन प्लस करेगा तो प्लस कर दीजिएगा और माइनस का पूछेगा तो माइनस कर दीजिएगा। बात समझ में आया?